आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट। ये टॉपिक छोटा सा छूट गया था पिछली क्लास में, जो एनर्जी मैंने पढ़ाया था, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी वाला टॉपिक छूट गया था। तो ये मैं एक छोटा सा 2-3 मिनट 4 मिनट का लेक्चर होगा, बस इसको मैं समझा देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है, अगर हम nth ऑर्बिट का बात करें, किसी भी एक ऑर्बिट का बात करें, तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी होगा। तो हमने वहाँ पे आर का रेडियस का जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे निकाला था पिछले लेक्चर में, एनर्जी जिसमें मैंने आपको एनर्जी निकालना और रेडियस निकालना बताया था, उस पर पूरा डिराइव करके मैंने रेडियस का एक फॉर्मूला निकाला था। और एक फॉर्मूला हम लोग को बहुत पहले से पता है एंगुलर मोमेंटम का, mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, तो ये जो आर का वैल्यू यहाँ पर हमने जब पुट किया, तो ये जो वी का वैल्यू आता है, वो वी का वैल्यू आ जाता है 2πke² × hz/n। ठीक है, तो ये जो वी एन का वैल्यू आया उसमें से ये तो कांस्टेंट है, ये आपको जो दिख रहा है ये पार्ट तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम एक के से डिनोट करके z/n ही तो चेंज हो सकता है ना, या तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा या तो उसका ऑर्बिट नंबर चेंज होगा, तो बाकी के तो ये इसमें तो सारा कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो के का वैल्यू होता है वो होता है 2.18 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको आगे से न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई वैल्यू पुट करना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो वहाँ पे आप ऐसा करके पुट कर सकते हैं कि 2.18 × 10⁻¹ z/n मीटर पर सेकेंड। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, अगर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इस पर सिंपल क्वेश्चन आएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, या हीलियम लेते हैं, चलिए हीलियम ले लेते हैं। तो हमने क्या अभी पढ़ा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.18 × 10⁻¹ z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, पहले z का वैल्यू पता करना है और n का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या दिया, हीलियम, तो हीलियम का क्या होता है, हीलियम का जेड कितना होता है, एटॉमिक नंबर जेड हो जाता है 2। और फिर ऑर्बिट एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं सिंपली, तो 2.18 × 10⁻¹ × 2/4, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं, 1.09 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट। ऐसे ही करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑर्बिट का ऑर्बिट वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो ये था हमारा वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला कैसे आया था, और ये लेक्चर बस यही जो छूट गया था टॉपिक, इसलिए मैंने इसको भी पूरा कर दिया, कुछ भी छूट ना जाए, छोटा मोटा कभी हो जाता है। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसमें भी ये टॉपिक थोड़ा सा यूज़ आएगा, इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे डाल दिया है। उसमें भी थोड़ा सा आपको ये एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी से कैसे वो रिलेट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।